हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NK एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि BSTC के अंदर क्या फिफ्थ लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। मैं आपको कुछ लोगों से YouTube पे बचने के लिए कह रहा हूं, जो लोग खामोखा अफवाह फैला रहे हैं, सोशल मीडिया की तरह बाजार गर्म कर रहे हैं, उन लोगों से आप लोगों को बचना। सबसे पहले मैं एक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो बार 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 बता रहा है NK एजुकेशन इज फेक चैनल, NK एजुकेशन वो है सोशल मीडिया पे। तो उस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा, जिस दिन समझ लेना तेरी आसपास चर्चा हो, उस दिन आप फेमस होने में बहुत कम टाइम लगेगा। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके कारण ही मेरा चैनल लोगों की नज़रों में आएगा और वो अपने चैनल पे जाके देखेंगे कि कौन सा गलत वीडियो इसने डाला है। तो यार, BST से फिफ्थ काउंसलिंग 2019 के बारे में बात कर रहा हूँ। एक भाई है, मुझसे जिद रहा है कि भाई फिफ्थ लिस्ट आएगी, तो यार उसी को लेकर वीडियो बना रहा हूँ। अब इनका सिलेक्शन पक्का, जी हाँ दोस्तों, अलॉटमेंट कल होगी, इतने नंबर वालों का होगा सिलेक्शन, पूरा का पूरा ये वीडियो देख लेना, इसके बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप लोगों के लिए मैं बता दूं, अभी बज के टाइम हुआ है 4:43, कॉर्नर में देख सकते हो, जहाँ पे मैंने यहाँ पे अभी मार्क किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा टाइम। अब मैं एक बार इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे एक अपडेट आई है, रिवीज्ड स्कॉलरशिप फॉर फिफ्थ राउंड अलॉटमेंट। यहाँ पे आप ये देखने के बाद इधर देखोगे कि कॉलेज अलॉटमेंट लेटर चेक स्टेटस, यहाँ पे आपको फिर से स्टेटस चेक करना है। हाँ भाई लोगों, सुन लेना, फिर से फिफ्थ लिस्ट के अंदर आपको स्टेटस चेक करना है, एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि बार बार आप गलतियों से रह जाते हो। फिर आपको यहाँ पे प्रिंट अलॉटमेंट लेटर चेक अलॉटमेंट सीट और फिफ्थ राउंड, देखिए फिफ्थ राउंड लिखा हुआ है, इसका मतलब फिफ्थ काउंसलिंग हुई है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। भाई दूसरी तरफ मैं आपको एक प्रूफ और बता देता हूँ कि फिफ्थ राउंड हुआ है, आपको आज के आज चेक कर लेनी है। और आपके सामने मैंने एक अखबार की कटिंग लगा के रखी है, वो मेरे पास आई थी 1 नवंबर, पूरी बात सुन लेना, 1 नवंबर को मेरे पास कटिंग आ चुकी थी। देखिए, आप ऊपर देख सकते हो, मैं इसके अबाउट में जाके 1 नवंबर को 3 बजे मेरे पास लगभग कटिंग आई थी, क्योंकि मैं उस दिन थोड़ा बिजी था। DL पाठ्यक्रम के लिए अब प्रवेश सूची नहीं जारी होगी, DL पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अब कोई नई सूची जारी नहीं होगी। पंजीकरण विभागीय परीक्षाएं बीकानेर ने अब और सूची जारी करने से इनकार कर दिया है। इस बारे में प्री-DL 2019 के संयोजक लक्ष्मण के मालावत ने बताया कि अब तक काउंसलिंग के 4 राउंड हो चुके हैं, अब आगे प्रवेश के लिए कोई काउंसलिंग नहीं होगी। उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्योंकि उसमें उन्होंने बोला था कि अब तक काउंसलिंग के कितने राउंड हो चुके हैं, 4। यहाँ पे आपको मैं देख रहा हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई फेक वेबसाइट नहीं है, ये अगर फेक वेबसाइट होगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। देखिए, गौर से देख लेना, मैं फिर से बता रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। देखिए, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर चेक ऑल स्टेटस फिफ्थ राउंड, देख लेना फिफ्थ राउंड। जो दोस्त ये बोलते हैं कि NK एजुकेशन ने गलत खबर दी है, तो भाई ये चीज़ प्रूफ के साथ देख लेना, यहाँ पे फिफ्थ लिस्ट यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। आप अधिक जानकारी के लिए मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, आप वहाँ से जाके सारे के सारे वीडियो देख सकते हो, मेरा पूरा का पूरा चैनल छान मार सकते हो। जहाँ पर भी यदि आपको गलत वीडियो दिखे या रॉन्ग वीडियो दिखे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिले, उस वीडियो को आपको कुछ नहीं करना है। मैं अपना इंस्टा नेम बता रहा हूँ, NK एजुकेशन, वहाँ से आप उस वीडियो को लिंक को करना कॉपी, वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे करना सेंड। यदि वो गलत हुआ तो मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।